अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवीत और मैं आपको एक्स इन्फिनिटी के बारे में गाइड करता हूँ। आज मैं आपके साथ ऐसी यूनिक टीम शेयर करने जा रहा हूँ जो आप अगर बिल्ड करते हैं तो आप टॉप 100 में भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कुछ प्लेयर्स देखे हैं जो टॉप 100 में यही टीम यूज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी अगर प्राइस में के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी कम प्राइस है इसकी। आपको ऑलमोस्ट $180 $170 में ये पूरी टीम मिल जाएगी। और जैसे ये प्लेयर है, आप इसका रैंक देख सकते हैं, ये 43 रैंक पे है इस टाइम, और इसकी MMR जो है 3000 प्लस है। तो ये यही टीम यूज़ कर रहा है। इस टीम में सिर्फ एक ही डैमेज का कार्ड है जो ये फ्रंट पैक्सी पे इसका हेड पे जो कार्ड लगा हुआ है, यही डैमेज का कार्ड है। और आप इसकी ये विन रेशो भी देख सकते हैं कि लास्ट टू इसने लॉस किया, बाकी इसने लास्ट थ्री उसके बाद थ्री जो है वो विन किए हैं। इसके कुछ गेम प्ले हम देखते हैं और देखते हैं कैसे ये टीम प्ले करता है। फर्स्ट मैच में जो है इसको एक्वा, रेप्टाइल और प्लांट मिला है। तो हम सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट प्लांट का जो है कार्ड दिखा दूं कि कौन सा इसने डैमेज के लिए रखा है। ये वाला कार्ड इसने रखा हुआ है जो अगर प्लांट कार्ड के साथ चेन करें, मतलब कोई और टीम में अगर कोई प्लांट कार्ड यूज़ करता है तो ये 20% ज़्यादा डैमेज देता है। उसके अलावा जो बाकी हैं सब नॉर्मल प्लांट रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये तीनों के कार्ड जो है नॉर्मल जो प्लांट्स के होते हैं वही हैं। अब पहले राउंड में देखते हैं, उसने सिर्फ यैम लगा के छोड़ दिया था कि अगर वो कोई अटैक करने आता है तो उसको पॉइजन लग जाए, क्योंकि हमने इसमें मेन फोकस जो होता है हमारा सबसे पहले होता है कि हमने ओपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइजन लगानी है, और दूसरा जो फोकस होता है कि उसको एनर्जी स्टोर करने नहीं देनी, क्योंकि वो एनर्जी अगर जमा कर लेगा तो हमें ईजिली किल कर सकता है आगे। तो हमने हर बार ट्राई करना है कि एनर्जी जो है ना हमने उसकी स्टील करते जानी है, क्योंकि हमारे तीनों प्लांट्स के पास जो है एनर्जी स्टील का कार्ड है। तो जैसा कि अब उसको मौका मिला तो उसने दो एनर्जी स्टील लगा दिए, ओपोनेंट की दो एनर्जी स्टील हो गई। अब जो है इसने लगाई है फ्रंट पे 150 की ऑलमोस्ट शील्ड लगा दिया है, क्योंकि और ओपोनेंट ने तीन कार्ड लगाए थे और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो किल हो जाएगा, लेकिन वो किल नहीं हुआ क्योंकि उसने शील्ड काफ़ी बड़ी लगा दी थी। तो इस तरह अगर हम सरप्राइज़ भी करते हैं कभी कभार तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है ओपोनेंट को, क्योंकि वो एक कार्ड लगा देते हैं और वो समझते हैं कि हम नहीं लगाएंगे तो वो उनको लॉस हो जाता है। और सेकंड राउंड में भी यहाँ पर इसने शील्ड लगाई थी कि ओपोनेंट एक कार्ड लगाएगा, लेकिन उसने दो एनर्जी गेन वाले लगाए जिसकी वजह से वो किल हो गया, वरना वो फिर भी सर्वाइव कर जाता। उसके अलावा वो स्टील कर ही जा रहा है, जब उसके पास स्टील का कार्ड आ रहा है और उसने यैम लगा दिया, और उसने हील का कार्ड भी लगाया था क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अटैक करने आएगा, क्योंकि उसको आइडिया था कि कितनी एनर्जीज हैं। जैसा कि मैंने बताया, उसको आइडिया था कि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो वो उसने स्टील करने चला गया उसकी एनर्जीज, और यहाँ से उसने उसकी तीन एनर्जी स्टील कर ली हैं, और अब उसके पास थ्री एनर्जीज हैं और ओपोनेंट के पास टू फोर हो गई हैं अब इस राउंड के बाद। तो ओपोनेंट अब सारे बीच के कार्ड लेके आ गया कि वो उसको किल कर सके, और रेप्टाइल का भी एक कार्ड उसने लगाया। इसने फिर इसकी एनर्जी देखें स्टील कर लिया है, अब उसके बाद ओपोनेंट के पास कोई एनर्जीज नहीं है, और यहाँ से इसने दोबारा हील भी कर लिया। तो अब ये हील अगर करता जाए तो इसको फिर भी फ़ायदा है। तो इस फ्रंट पर इसको हील नहीं मिला था तो इसने कैम और शील्ड लगा दी, जिसकी वजह से ओपोनेंट को पॉइजन लग जाएगी काफ़ी सारी, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएगी। और अब बाकी जो है ये ब्लड मून कर्स जो आ रहा है इससे वैसे ही ये किल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हेल्थ जाती रहेगी। बैक पे उसने स्टील किया ओपोनेंट की एनर्जी और हील का कार्ड लगाया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उस पर अटैक करेगा इस वजह से, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। अब उसके बाद चार एनर्जीज हैं सिंपल, उसने चार शील्ड लगाई, दो शील्ड लगाई हैं और दो हील लगाया। तो अब वो जितने भी ट्राई कर ले ओपोनेंट तो उसे किल नहीं कर पाएगा और ये इजिली विन कर जाएगा। तो इस टीम में ऐसे ही होता है कि हमने सिंपल जो है पॉइजन लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा ओपोनेंट को, अगर हमें जब भी मौका मिले, और उसको एनर्जी हमने सेव नहीं करने देनी, जब भी हमें मौका मिले हमने एनर्जी स्टील कर लेनी है। मेन फोकस इस टीम में यही रहता है हमारा। तो अगर हम गोडा यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर आपकी हेल्थ जो है आपको कम मिलेगी मार्केट में। अब सेकंड मैच की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें कौन सी टीम मिली है। इस मैच में उसको डबल प्लांट और बर्ड मिली है। ये काफ़ी टीम अच्छी है, आपको मैंने जैसे बताया था कि ये टॉप टीम है एक तरह से। तो इसके प्लांट के कार्ड देखें तो ये वही कार्ड है, बस इसमें घोड़ा नहीं है। सेकंड में जो है वही सेम कार्ड है तकरीबन, और बर्ड जो है मैंने लास्ट में आपको बताई थी उसी तरह की बर्ड है ये, इसके वही कार्ड है।
तो ये काफ़ी लोग ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी टीम है, तो इसके साथ अब देखते हैं ये कैसे प्ले करता है। दो कार्ड मिले इसको डैमेज के, तो इसने दोनों कार्ड लगा दिए। सेकंड राउंड में बर्ड के कार्ड मिल गए थे, तो उसने कार्ड ड्रा कर लिए हेयर डैगर से, और साथ एग बम भी यूज़ किया, और यहाँ इसको पूरा किल कर दिया। अब इसको स्टील के लिए उसने कार्ड मिला था, तो उसने स्टील कर लिया। अब ओपोनेंट जो है ट्राई कर रहा है कि वो एनर्जी जमा करके एक ही बार अटैक करे और उसके प्लांट को किल कर ले, लेकिन यहाँ से ये इसकी एनर्जी बार बार स्टील करी जा रहा है, तो उसको अब मौका ही नहीं मिल रहा कि एनर्जी जमा करे और वो उसे किल कर सके। तो यही हमने करना होता है कि ओपोनेंट को मौका ही नहीं देना, उसकी एनर्जी बार बार स्टील करी जाए तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने का। यहाँ फिर इसने एनर्जी उसकी स्टील कर ली, अब ओपोनेंट के पास सिर्फ एक एनर्जी है, तो नेक्स्ट राउंड में उसके बाद 3 एनर्जीज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो उसको किल तो नहीं कर पाएगा। उसने फिर एक एनर्जी स्किप कर दिया, उसकी एनर्जी फिर उसने स्टील कर ली है, और एक और एनर्जी स्टील कर ली उसने। स्किप किया था तो उसकी 3 एनर्जीज हो गई थी, अब उसने फिर उसकी 2 स्टील कर ली, अब दोबारा उसके पास 3 है, मतलब उसकी बार बार स्टील कर ही जा रहा है और वो जमा ही नहीं करने दे रहा। अब इसके बाद इसने फिर स्टील कर ली, तो ये देख सकते हैं आप कैसे ओपोनेंट को एनर्जी ही नहीं मिल रही कि वो उस पर अटैक कर सके। तो अब उसने कार्ड लगा दिए, उसके बाद जितनी भी एनर्जी थी उसने यूज़ कर ली, क्योंकि बार बार उसकी स्टील हो ही जा रही थी, तो इतनी एनर्जीज में उसने उसको किल भी कर दिया इसके प्लांट को, और ये फिर इसकी स्टील करने आ रहा था, मतलब अगर इसने फिर स्किप करना था तो इसकी स्टील हो जाती। अब इसने फिर उसकी स्टील करने की ट्राई की है, लेकिन ओपोनेंट अब एनर्जी नहीं सेव कर रहा, उसने अटैक कर दिया सब एनर्जी से, तो एक तरह से ये इसका वेस्ट गया है। इसलिए मैं कह रहा होता हूँ कि अगर गोडा यूज़ करें तो इस तरह वेस्ट की जगह उसको डैमेज हो जाता कुछ। बर्ड ने अब हेयर डैगर और एग बम यूज़ किया है, लेकिन उसने सिर्फ हील के लिए कार्ड लगाया है, क्योंकि वो हील करना चाह रहा है और उसको पता था कि इसके पास सिर्फ 2 एनर्जीज हैं, तो वो किल तो इसे कर नहीं सकता। अब जो है बर्ड ने फिर 2 हेयर डैगर कार्ड लगाए हैं उसके पास, क्योंकि एनर्जीज है नहीं इसलिए वो अब कुछ खास कर भी नहीं सकता, और वो एनर्जी वेस्ट करना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर वो स्किप करेगा तो ये स्टील कर लेगा, तो इसलिए वो यूज़ कर ही जा रहा है, और ऐसे तो वो इसे कभी भी किल नहीं कर सकता। उसने इसको सिर्फ फियर लगाया था और उसने उसे टारगेट 2 बार हील कर लिया। इस टीम में ये होता है कि आपने एनर्जी अपने पास काफ़ी सारी बचा के रखनी है लास्ट में, क्योंकि आपने हील बैटल करना होता है, तो आपको एनर्जी आपके पास काफ़ी होनी चाहिए। अब जो है उसे लगा था कि उसने एनर्जी जमा कर ली है, क्योंकि एक स्टन स्किप की थी, तो इसने फुल शील्ड लगा ली, नहीं लगा सकता था ताकि ये इसको किल ना कर पाए, और वही हुआ और उसे किल नहीं कर पाए। तो इसने अपनी 2 शील्ड लगाई थी ताकि अगर फियर भी होता तो एक से हट जाता, और बाकी ये 2 हील कर लिया, तो इस तरह ये इजीली ये मैच भी विन कर लिया इसने। तो आप देख रहे हैं कितनी इजीली ये मैच विन कर जाता है। तो आपने सिर्फ ओपोनेंट को एनर्जी सेव करने नहीं देनी इस टीम में, यही फोकस है, बाकी वो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसकी एनर्जी स्टील करते जाएं, बाकी आपने देखा है। तो अब मैं आप इसको मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपको कितनी प्राइस में ये वाली एग्जिट मिल जाती हैं। मार्केट में आ गए हैं, सबसे पहले जो फ्रंट प्लांट अगर हम देखें तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सारे कार्ड लगा दिए हैं। इसके साथ आपको जो हेल्थ आपने लेनी है वो मैक्सिमम लेनी है, वो 61 हेल्थ है जो आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ अगर आप देखें तो ये आपको $58 $60 के राउंड अबाउट मिल जाएगी, तो आप ये बाय कर सकते हैं। फ्रंट प्लांट आपका $60 में ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मिड प्लांट की तरफ चलें तो उसमें आपको सिर्फ ये वाला कार्ड हटा के इसकी जगह आपने हीलिंग के लिए रोज़ बर्ड कार्ड है वो रखना है, तो मैं यहाँ रोज़ बर्ड लिख देता हूँ। और अगर आप इसकी प्राइस देखें, इसकी भी 61 हेल्थ मिलेगी, तो आपको ये भी $57 $58 मतलब $60 के आसपास आपको ये भी मिल जाएगी, तो $120 में आपको ये 2 एग्जिस मिल जाएंगी। और बैक पे जो एग्जिस है वो आप उसमें आपको यैम की जगह जो है आपने यूज़ किया हुआ है, कैट टेल जो है उसने यूज़ किया हुआ, तो आप अगर कैट टेल ही लेना चाहते हैं तो कैट टेल आपको मिल जाएगा, कैट
कैटेल आपको $51 $53, तो ये भी आपको इतने का मिल जाएगा आराम से। तो ये तकरीबन आपको 160 $170 में आपको ये वाली तीनों एक्सिस मिल जाएंगी अगर आप यही प्ले करना चाहते हैं तो। ये काफ़ी अच्छा, मैंने देखा है कि टॉप में काफ़ी लोग प्ले कर रहे हैं और ऊपर हाई रैंक पे हैं, तो मतलब ये अच्छी है। तो अगर आप इसका गेम प्ले देखना चाहते हैं तो आप उसका भी मुझे बता दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गेम प्ले भी इसका शेयर कर दूंगा ख़ुद प्ले करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।